दोस्तों मेरे एक बहुत ही सम्मानित दर्शक का एक सवाल था कि जब ड्रग इंस्पेक्टर साहब खाली दुकान का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो क्या वो उस समय डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेते हैं, क्या वो मतलब उस समय करते क्या है? तो एक सवाल तो ये था, और एक सवाल ये था कि मेरी दुकान जो है वो ऑन रोड है, बाजार में है, मैं प्रोप्राइटर हूँ, दुकान खोलना चाहता हूँ, तो क्या मैं मेडिकल स्टोर खोलूं या ना खोलूं, क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है, ये सारी चीजें वो पूछ रहे थे। तो आज दोनों सवाल का जवाब एक ही वीडियो में देने वाला हूं। पहले पे आते हैं कि अगर डीआई साहब आएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए खाली मेडिकल स्टोर का तो वो क्या क्या चीजें देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि उनका काम होता है कि जब वो आते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि आपने जो दुकान का जो डॉक्यूमेंट डाला था, जो दुकान का जैसे दुकान का एड्रेस, दुकान की लंबाई चौड़ाई, दुकान का जो ब्लूप्रिंट था, वो सारी चीजें सही है सिर्फ कागज पे है। जैसे कि मान लीजिए आप पहले आते हैं ब्लूप्रिंट पे, ब्लूप्रिंट में जो आपने लंबाई चौड़ाई दिखाई है, मतलब जो मेडिकल में जो 150 स्क्वायर फीट बिल्डिंग चाहिए होता है वो आपकी दुकान उसको फिलफिल कर रही है, यानी कि आपने ब्लूप्रिंट तो दिखा दिया लेकिन जो ब्लूप्रिंट में है क्या वाकई में एग्जैक्ट लोकेशन पे वो है या नहीं है। आपने जो ब्लूप्रिंट दिखाया था, मेरे दाएं साइड में ये दुकान है, बाएं साइड में ये दुकान है, सामने सड़क है, पीछे कुआं है, ये सारी चीजें है या नहीं है, वो ये चीज देखने के लिए आते हैं। मतलब वो देखते हैं कि जो आपके कागज में लिखा था और जो वास्तविकता है उसमें समानता है या नहीं है। इसके अलावा वो ये देखते हैं कि आपकी दुकान एकदम से रेडी है या नहीं है, और दुकान जो आपकी रेडी है वो मेडिकल स्टोर के लायक है या नहीं है, मतलब उसमें फ्रिज है या नहीं है, उसमें रैक काउंटर प्रॉपर तरीके से बने हैं या नहीं है, उसमें लाइटिंग कैसी है, सारी चीजें देखने के लिए गाइस आप आते हैं। मतलब वो समझ लो कि सिर्फ दुकान का इंस्पेक्शन करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन वो नहीं कर सकते हैं, उस समय नहीं करेंगे वो, बाकी चीजें बाहर जाती हैं, उसको वेरीफाई किया जाता है कि आपका जो मार्कशीट था हाई स्कूल का, इंटर का, आधार कार्ड वगैरह सारी चीजें बाद में वो वेरीफाई किए जाते हैं, और वेरीफाई होने के बाद में वो आते हैं। लेकिन जब बीआई साहब आपके खाली दुकान पहुंचेंगे सिर्फ ये देखेंगे कि आपका रैक काउंटर है या नहीं है, आपका फ्रेश प्रॉपर है या नहीं है, या फिर वो जो आपकी पीछे की जो दीवार होती है, दीवार चारों साइड से पैक होनी चाहिए, मतलब कीट की बनी होनी चाहिए, वो लोग क्या करते हैं प्लाई से बना देते हैं, तो वो सारी चीजें ना हुई हो, ये सारी चीजें वो चेक करने अकेले आते हैं। तो आपके सवाल जवाब हो गया कि भैया वो खाली लोकेशन पहुंच कर चेक करते हैं कि आपका वास्तविकता से और उसमें रियल कागज में क्या अंतर है, क्या ये चेक करते हैं। दूसरी चीज भाई साहब का सवाल था कि मैं प्रोप्राइटर हूँ, मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ, मेरी दुकान भी ऑन रोड है, तो क्या सम्मानजनक बिक्री रहेगी, कैसे क्या होगा, क्या मेडिकल स्टोर प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। देखिए आप इस समय संशय के गलियारे में चल रहे हैं, डाउटफुल है, दिमाग में काफी सवाल चल रहे हैं, जो कि काफी जेन्युइन है, चलने चाहिए। देखिए क्या है, मेडिकल स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हमेशा हमेशा प्रॉफिट देगा, कभी भी लॉस का बिजनेस नहीं है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपकी दुकान अगर ऑन रोड है बहुत बढ़िया चीज है, ऑन रोड दुकान है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा जब समय देंगे तो आपका लोगों से परिचय बनेगा, लोग आपकी दुकान को देखेंगे, यहाँ यहाँ पर दुकान खुली हुई है, आपकी शॉप पर वो आएंगे, सामान मांगेंगे, आपके दिमाग में आएगा क्या क्या चीज यहाँ दिखती है, और एक डेढ़ दो साल बाद आप जो है प्रॉपर पटरी पर आ जाएंगे। तो अगर आपकी दुकान ऑन रोड है बहुत शानदार है, अगर उस रोड के आसपास कोई डॉक्टर भी है, कोई हॉस्पिटल भी है, तो वो और बेहतर रहेगा आपके लिए, वो क्योंकि आपकी परचेस हो जाएगी। मतलब कहने मतलब ये है कि आपने जो सवाल किया था जो सम्मानजनक क्या होगा सेल, तो मेरे ख्याल से अगर आप एक दिन में 4-5 हज़ार रुपए की बिक्री कर लेते हैं तो भी आप ठीक ठाक इनकम कर पाएंगे। तो मैंने दोनों सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, आशा करता हूँ कि आपका जो सवाल था उसका जवाब मैंने दे दिया हो। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।